नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। गुजरात के अमरेली की बात होगी, जहां पर हाईवे पर शेरों की सैर की तस्वीर सामने आई है। हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे। कठुआ लिए चलेंगे, जहां पर फ्लैश फ्लड से आफत में पड़ी 3 महिलाओं की जान, घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन से जान बच पाई। उधम सिंह नगर की बात होगी, जहां पर रफ्तार का बेलगाम कहर दिखाई दिया। दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट विस्तार पर आज पीएम मोदी के निवास स्थान पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठक रद्द हो गई है। जी हां, ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की ये बैठक होने वाली थी और बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत निर्मला सीतारमन, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर के शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये बैठक आज नहीं होगी। कैबिनेट विस्तार पर यह अहम बैठक होनी थी प्रधानमंत्री आवास पर शाम 5 बजे, लेकिन अब मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। अगली मीटिंग कब होगी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल आज की मीटिंग को रद्द किया गया है। कैबिनेट विस्तार पर आज यह अहम बैठक जिसमें कई प्रमुख चेहरे शामिल होने वाले थे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या वजह रही मीटिंग कैंसिल करने की? देखिए, बिल्कुल इसकी अभी तक वजह नहीं पता चली है, लेकिन ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें जो समीक्षा हुई है मंत्रियों की, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर डिस्कशन होना था, लॉन्ग डिस्कशन होना था। इससे पहले भी जो है 20 जून को ये बैठक हुई थी, लेकिन अभी इस बैठक को फिलहाल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है जिस तरीके की समीक्षाएं जो है प्रधानमंत्री के द्वारा सभी मंत्रियों के मंत्रालय की गई है, उसको कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यानी कि कल और परसों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। में सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कल या परसों में ये मीटिंग की संभावना दोबारा जताई जा रही है। आज शाम प्रधानमंत्री के आवास पर यह अहम बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमन जैसे तमाम अहम मंत्री शामिल होने वाले थे। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर विधानसभा की तस्वीर बदलने वाली है। इसे लेकर आज से बड़ी कवायद शुरू हो रही है। ये कवायद है दरअसल विधानसभा सीटों के परिसीमन की। आज परिसीमन आयोग की टीम श्रीनगर पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की कवायद शुरू हो गई है। घाटी में परिसीमन आयोग की एक अहम बैठक होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में घाटी के सभी राजनीतिक दलों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। पीडीपी को छोड़कर कश्मीर घाटी के सभी राजनीतिक दल परिसीमन आयोग से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। बैठक से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट परिसीमन आयोग को सौंप दी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अभी तक इस बैठक से दूरी बना रखी है। पीडीपी की ओर से बैठक में कौन शामिल होगा इसका खुलासा नहीं किया गया है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में भी परिसीमन का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया था कि चुनाव करवाने से पहले परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। महबूबा मुफ्ती के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि पीडीपी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम ही है। महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी हैं कि जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटाया जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद गुपकार नेताओं के बीच लगातार विचार विमर्श जारी है। रविवार को एक के बाद एक दो बैठकें हुई, हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने साफ किया कि परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला पार्टियों पर छोड़ दिया गया है। परिसीमन आयोग की टीम आज से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान आयोग नेताओं, समाज के समूहों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत करेगा, ताकि जम्मू कश्मीर में नए विधानसभा क्षेत्र बनाने पर आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा कर सकें। जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के एक पखवाड़े के अंदर
परिसीमन आयोग का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अब पंजाब का, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चारों तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ विपक्ष घेर रही है, दूसरी ओर सिद्धू, और ये घेरा ही कैप्टन का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। इसी चक्रव्यूह से निकलने के लिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली आ रहे हैं। ये तस्वीरें याद है ना, सिद्धू दिल्ली आए थे, प्रियंका राहुल से मुलाकात की, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई थीं। तब खबरें थीं कि सिद्धू और कैप्टन का मसला सुलझा लिया गया है, सिद्धू को पार्टी में बड़ा पद मिलने वाला है। अगले दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के विधायकों को लंच का न्योता दे दिया। खबरें आईं कि कैप्टन अपना सिक्का धूमिल नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन फिर खबरें आईं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सिद्धू और कैप्टन का शीत युद्ध समाप्ति की ओर था। तभी बिजली कटौती के मुद्दे पर सिद्धू पर बिजली गिरा दी। सूत्रों से खबर है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने आ रहे हैं। बहुत संभव है कि कल इस बात से पर्दा उठ जाए कि सिद्धू को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और कैप्टन और सिद्धू के बीच की जंग खत्म होगी या नहीं। वैसे देखा जाए तो पंजाब में कांग्रेस का रास्ता कतई आसान नहीं है। विरोधी सड़कों पर मोर्चाबंदी कर रहे हैं और कांग्रेस अंदरूनी कलह से ही नहीं निकल पा रही है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलेंगे और वहां के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद हिमाचल प्रदेश ने जब सैलानियों के लिए अपने दरवाजे खोले तो सैलानियों का यहां सैलाब सा गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों से कोरोना पाबंदियों से ऊब गए लोगों का सैलाब अब हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करने लगा है। तस्वीरें देखिए, टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई है। हालांकि सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ सैलानियों को आने की इजाजत दी है, लेकिन भीड़ में अक्सर ये सभी कानून टूट रहे हैं। हिमाचल में इन दिनों ऐसा ही नजारा है। दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम इलाकों से लोग यहां पर अब पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि हिमाचल में RT-PCR और ई पास की बंदिशें नहीं है, इसीलिए सैलानियों के लिए ये पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। हालात ये हैं कि पार्किंग हो या फिर शहर की सड़कें, अटल टनल की ओर जाने वाला हाईवे हो या फिर रोहतांग की सड़क, वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है। हालांकि पूरी तरह से ठप पड़े पर्यटन कारोबार के लिए सैलानियों का सैलाब संजीवनी की तरह काम कर रहा है, लेकिन बिना मास्क के घूमते पर्यटक कोरोना के चलते फिरते खतरे को न्योता दे रहे हैं। ये मनाली की तस्वीर देखिए, यहाँ पर सड़क का नज़ारा, जहाँ पर सैकड़ों सैलानी इस वक्त उमड़ पड़े हैं, होटल्स फुल हो चुके हैं, लंबी कतारें दुकानों के बाहर और जो मेन सड़क है मनाली की वहाँ पर देखी जा सकती है। लापरवाही का ये आलम कि कई टूरिस्ट बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई टूरिस्ट स्पॉट्स का यही हाल है। ये मनाली का हाईवे है जहां पर वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है। दरअसल दिल्ली और आसपास के इलाकों से अब टूरिस्ट लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो RT-PCR टेस्ट है वो कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी हिमाचल प्रदेश में एंट्री मिल रही है। यही वजह है कि अब टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स का रुख कर रहे हैं। लंबे ट्रैफिक जाम की भी स्थिति मनाली में देखी जा सकती है और एक तस्वीर भी दरअसल वायरल हो रही है जिसमें जो मेन सड़क है, जो मुख्य मार्ग है मनाली का, वो पूरी तरह से भीड़ भाड़ से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये धर्मशाला की तस्वीर है जहां पर भी अब सैलानी रुक कर रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब 40 से ऊपर पारा पहुंचते ही लोग ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर भारी भरकम भीड़ देखी जा सकती है। शिमला के मॉल रोड की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, राहत की उम्मीद खास तौर पर मौसम को लेकर। और कोरोना काल में जो पाबंदियां थी, घर में रहना पड़ा था, उसके बाद अब सैलानी इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये भीड़ दरअसल इशारा कर रही है कि अगर पाबंदियों का पालन नहीं किया गया तो मामले बढ़ सकते हैं। कुल्लू की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी आलम मनाली और धर्मशाला जैसा ही है,
टूरिस्ट की लंबी कतार लगी हुई है और कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जलंधर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। दिन में तो धूप ही है बट फिर भी प्लेजेंट है, अच्छा लग रहा है। इवनिंग में तो बहुत अच्छा हो जाता है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसी जगह पे आए हैं, आपने मास्क यूज नहीं किया है? नहीं किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है जस्ट, मैंने जस्ट राइट नाउ कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था इसलिए अभी उतारा है। तो बहुत गर्मी है वैसे, टेम्परेचर भी काफ़ी बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा इन्जॉय करना है। काफ़ी 2 साल बाद आना हुआ है शिमला, वो मनाली, तो इन्जॉय करना आया। आप कितने लोग यहाँ पे आए? हम 3 ही हैं। 3 ही लोग आए हैं, अब 3 लोग यहाँ, अब तीनों ने मास्क नहीं पहना, क्या बात है? वो फोटो खींच रहे थे इसलिए नहीं पहना था बस। शिमला के मॉल रोड पर भी सैलानियों की भीड़ देखी जा सकती है। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की कल की ये रिपोर्ट देखिए। मेरे दाई और बाई तरफ आप देखते हैं, ये शिमला का माल रोड का क्षेत्र है और देख सकते हैं शिमला के माल रोड में इस वक्त पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। उत्तर भारत के कई राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और ये नज़ारा राजधानी शिमला का है, देख सकते हैं सड़क में भीड़ जमा हुई है और पर्यटक इस वक्त शिमला के ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइएगा। दिशिता सचदेवा। दिशिता, आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। आप ये बताइए कि शिमला पहुँचने में क्या दिक्कतें आपको आई? सर दिक्कत तो यही है, ट्रैफिक है रास्ते में, बाकी रोड भी खराब है, बाकी और तो कोई। और शिमला में ठहरने की व्यवस्था होगी, होटल मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया था। तो आपको शिमला, इतने दिनों बाद शिमला खुला है, सरकार ने बंदी से हटा दी, और आपको यहाँ पहुंचकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन रुकेंगे? हम कल जाएंगे सुबह। तो ज्यादातर पर्यटक भीड़ भाड़ से और मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लू चल रही है, उसे निजात पाने के लिए शिमला में पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कई राज्यों से पर्यटक यहाँ पर आए हैं, घूमने निकले हैं इस वक्त, और शिमला की इस सड़क में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। और जैसे ही राज्य सरकार ने बंदी से हटाई है, पर्यटक शिमला, मनाली, कुफरी और धर्मशाला की ओर चल पड़े हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और रास्तों में, सड़कों में कई जगहों पर अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। होटल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 100% तक पहुंच गई है। बहुत सारे लोगों को होटलों में ठहरने के कमरे नहीं मिल रहे हैं और वहां से पर्यटक हटकर अब उन पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं जहाँ पर कम भीड़ है या फिर ठहरने की व्यवस्था हो रही है। कुल मिलाकर मैदानों में जिस तरह गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लू चलने लगी है, तापमान एकदम बढ़ा है। चंडीगढ़ की बात करें तो 40 डिग्री तक पहुंच गया है, पंजाब के कई हिस्सों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। और उस गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला से आज तक के लिए मंजीत सहगल। अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ का, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से 3 महिलाओं की जान आफत में फंस गई। महिलाएं दरअसल लकड़ी चुनने के सिलसिले में नदी के पार गईं और चंद पलों में नदी में उफान आ गया। कैसे बची इन महिलाओं की जान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नदी के इस छोर पर बदहवास खड़ी ये महिलाएं जब इधर पहुंची थीं, तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि चंद पलों में वो मुसीबत में फंसने वाली हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के छब्बे चक गांव की है। गांव के बीचों बीच बहती है उज नदी। ये महिलाएं नदी के इस पार रोजाना के काम के सिलसिले में आई थीं, तभी फ्लैश फ्लड से उज नदी में उफान आ गया। अब महिलाओं के सामने मुसीबत ये कि वो कैसे घर जाएं। किसी तरह गांव वालों को खबर मिली, फिर क्या था, गांव वाले दौड़ पड़े, पुलिस भी आई, राहत वाली टीम भी पहुंची, रस्सा, लाइफ जैकेट, ट्यूब, बचाव का सारा साजो सामान उज नदी के किनारे हाजिर था। और फिर शुरू हुआ महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों की टीम रस्सी लेकर इस छोर से उस छोर पहुंची, ताकि जब महिलाएं नदी पार करें तो पानी की तेज धार में उन्हें रस्सियों का सहारा मिल सके। नदी में पानी का तेज उफान देख सकते हैं,
बगैर सहारे के इसे पार करना कतई आसान नहीं। चंद घंटे की कवायद रंग लाई, एक एक महिला को बाहर निकाल लिया गया। मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था कि लोगों को यही अवेयर करें कि वो नदी के किनारे मत जाएं, क्योंकि बारिश का दौर है, आपको पता है अभी बरसात शुरू हो गई है, ऊपर बारिश होगी, रात को बारिश होगी, अचानक इसका जो नदी का पानी है वो बढ़ सकता है, तो उसके जानी माली नुकसान होने का खतरा रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको पता ही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो लफ्ज़ है वो वैसा ही है कि उसमें मशक्कत तो होती है, लेकिन इसमें हमें कामयाबी मिली कि पुलिस, SDRF और जो लोकल पब्लिक है सबने मिलकर काम किया। महिलाएं जब इस पार पहुंची तो उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मुश्किल हो, अगर हम मर जाते तो हमारे घर वाले तो उधर ही रह जाते। हम डेली आते हैं इधर, स्कूल भी जाना पड़े तो सुबह सुबह इधर ही आना, अगर पीछे पानी आ गया तो हमारा एग्जाम तो उधर ही रह गया, हम इधर ही रह गए पार ही। कितने वर्षों से आप आ रही हो? मेरी 22 साल उम्र हो गई, मैं 22 साल से इधर ही आ रही हूँ। किसी ने इतने मेंबर सरपंच बने भी बन के चले भी गए, किसी ने हमें फ्लैश नहीं दिलवाई। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि हमारे हर घर में फ्लैश होनी चाहिए। गांव के सरपंच का कहना है कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों से बार बार उज दरिया के उस पार जाने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं मानते हैं और फ्लैश फ्लड से जान पर खतरा बन जाता है। बोलकर रखा है कि आप दरिया की तरफ मत जाएं, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, क्योंकि उज रिवर एक ऐसा दरिया है जिसको हम धोखेबाज, डोगरी में धोखेबाज कहते हैं, कभी भी पानी आ सकता है। और पर फिर भी लोगों को बोलने के बावजूद भी कुछ लोग लकड़ी चुनने के लिए, अपनी जरूरत के लिए चले जाते हैं। बहरहाल अंत भला तो सब भला, फ्लैश फ्लड में फंसी महिलाओं की जान बच गई। सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक। वही उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरकने का एक वीडियो सामने आया है। ये कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इतनी खतरनाक तस्वीरें हैं जिसमें पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर जंगल की तरफ आ गया है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, हरे भरे जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ों पर भारी भूस्खलन लगातार हो रहा है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की पहाड़ टूटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कूलों की घाटी के घांगरिया क्षेत्र में पहाड़ टूटने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई, 2 दिन पहले की यह तस्वीर बताई जा रही है। लैंडस्लाइड का ये खौफनाक वीडियो देखिए, यहां पर इस वक्त यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। और अब बात ट्रैक्टर चोरी की। ट्रैक्टर चोरी की ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक बेहद दिलचस्प खबर है। चोरी को अंजाम दिया था एक नाबालिग लड़के ने और वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली से मध्यप्रदेश के चित्रकूट पहुंच गया, फिर पुलिस चोर तक कैसे पहुंची देखिए। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में खड़ी ट्रैक्टर की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। इस ट्रैक्टर ने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली से चित्रकूट और फिर चित्रकूट से दिल्ली की दूरी नापी है। आप हैरान होंगे इसमें क्या अजूबा है, तो गौर से सुनिए इस ट्रैक्टर की कहानी। ये ट्रैक्टर पिछले दिनों JNU के एडमिन ब्लॉक के पास से चोरी हो गई थी। चोर JNU में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुके शख्स का नाबालिग बेटा था। ट्रैक्टर चुराकर नाबालिग करीब 700 किलोमीटर ड्राइव करते हुए मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित अपने घर पहुंच गया। बताया जाता है कि उसने 52 घंटे में ये दूरी तय की। इस ट्रैक्टर के चोरी होने से दिल्ली में हड़कंप मच गया। CCTV में नाबालिग को ट्रैक्टर ले जाते देखा गया। चूंकि उसका पिता JNU में सिक्योरिटी गार्ड रह चुका था, इसलिए उसका आना जाना था, इस वजह से उसे किसी ने नहीं रोका। मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया तो लोकेशन चित्रकूट निकला। लोकेशन का पता लगते ही दिल्ली पुलिस ने चित्रकूट जाकर ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और नाबालिग चोर को बाल सुधार गृह भेजा गया। उन्होंने अपनी तस्ती शुरू की तो उसमें फुटेज वगैरह आई थी, तो एक लड़का ले जाता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आगे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि वो बंदा चित्रकूट MP में है। तो जब चित्रकूट MP के लोकेशन आई तो हमारी टीम वहाँ पर गई चित्रकूट में, तो वहाँ पर ये बच्चा मिला जो कि जुवेनाइल था। तो वो
उसको उसे वहाँ से ट्रैक्टर बरामद हुआ। ट्रैक्टर बरामद होने पे पता चला कि इसके फादर पहले यहीं JNU में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, तो इसको अंदर का काफ़ी पता था, तो इसको कोई आने जाने में दिक्कत नहीं थी, उसी बेस पे ही अंदर गया था। पुलिस के मुताबिक अपने इलाके में महंगे ट्रैक्टर को देखकर नाबालिग के मन में भी महंगे ट्रैक्टर का जुनून था, इसी वजह से उसने JNU के ट्रैक्टर पर हाथ साफ कर दिया। और इसके गांव में वहां पे ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर था, इंटरनेशनल ट्रैक्टर, इसकी काफ़ी लोगों के पास है और एक तरह से फैंटेसी है, तो इस कारण इसको भी ये था कि मेरे को भी ट्रैक्टर चाहिए। तो ये यहाँ पड़ता था मुनीरका में, अपने मामा के साथ रहता था, तो ये घर पे ये बोल के आया कि दिल्ली में ट्रैक्टरों की नीलामी है तो कुछ पैसे दो। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, उस बेस पे इसने अपना यहाँ चोरी कर ली और उसमें डीजल डलवा के पूरा 52 घंटे चलाकर ट्रैक्टर गांव ले गया। ट्रैक्टर चोरी की इस वारदात ने देश की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। नाबालिग करीब 700 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाता रहा और किसी को शक न होना सवाल खड़ा करता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।